अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स पर जानिए आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। भाई आज का जो व्लॉग है ना, मेरे बच्चों की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ का व्लॉग है और कुछ बारिश का सीन हुआ था कराची में, बहुत मज़ेदार सी, तो वो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। जो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, उन लोगों की बातें सुनते हैं। गीला हो जाएगा, बहुत तेज बारिश हो गई है अभी, मजेदार सी। अच्छा मेरे बेटे ने भी देखना, बाबा बाबा का दीवाना, मेरी बच्ची देखने, बच्ची देखने। सोहान रान बाबा को देखो, कौन बाबा को देखो, जूजी बाबा को देखो। एक मिनट भी नीचे उतारा, मैं नीचे उतारा है, बस बारिश में भीगना है। देखा कैसे मजनू बनाओ बैठो में। बेबी जोहान, बेबी बाबा को देखो, नहीं देखना जोहान, बेबी बाबा। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतनी मज़ेदार बारिश हो रही है। सबको ये कर रहा है कि नीचे चल रहा है, नहीं जा सकते अभी, नहीं जा सकते। सोहान मुझे जाना है बारिश में भीगना। जोहान चले बाबा पास, जोहान बाबा पास चले। आए मजनू बेटा तो देख ले, चले छम छम में चले नीचे। मम्मा चलो प्लीज, चलो 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 है, हां चलो बाबा होते ना फिर चलते। नहीं यार प्लीज, चलो चलो चलो। देखो देखो सोनू इधर देखो, खुशबू मजेदार है ना। हम कराची वाले बारिश के तरसे हुए, ओह माय गॉड। अच्छा होता ये है कि इनके बाबा जब होते हैं ना, तो ये फ्लैट में नीचे ना इनको ले जाते हैं, गली में खड़ा करके थोड़ी देर बारिश वगैरह अपने जो है ना वो ले जाते हैं। और हम जो है ना वो छत पर हम जा नहीं सकते क्योंकि लैंडलॉर्ड से फिर पूछना पड़ता है। और फिर मतलब इस तरह से जो है ना, मैं जब अकेली हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं जाऊँ। सो यहाँ पर हुआ ये कि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा जिद करी, तो फिर मैंने को लिए ना मतलब निकल नीचे उतर गई थी। मैंने कहा चलो भैया बाया पहन के, मैं तो खुद तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा बस आप लोग खड़े हो ना, तो बस बच्चों के साथ थोड़ा सा उनकी बात भी सुननी पड़ती है। तो यहाँ मैं नीचे चली गई थी और इन लोगों के साथ जो है ना, मैंने कहा चलो भाई बारिश में थोड़ा सा भीग लो। उसके बाद फिर मैंने को शावर देने के बाद अब सुकून से बैठी थी, तो जोहान मेरी गोद में था तो वो उसको तो इतना ज़्यादा बारिश से फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है ना वो उरहान अरशमान और इनको सबको जो है ना मैंने शावर वगैरह दे दिया था। क्या क्यों पहनी है चोपी? चाबी होगी तो तुम जाओगे? हाँ। क्या होगी? ऐसे जाओगे? हाँ। हम अभी किशमिश से गए थे, किशमिश होके आए, क्या ना बनने भैया को भी बना दो भाई। भैया और क्या हुआ था अभी, क्या हुई है चाबिश? हाँ। जोहान अरे चाबिश बोल दें, चाबिश ये देखें जोहान के गोल्डन गोल्डन बाल देखें। इसको अल्लाह ताला ने कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं दी, देख रहे हैं आप कैसे बराबर हैं सारे बाल, पीछे से आगे से। ये अल्लाह की जो है ना वो देना है, मतलब कि कुदरत है इसके अंदर। ये देखें इसको कहीं से भी ज़रूरत नहीं है बालों की कटिंग होने की। शबेराती इधर आ जाओ, शबेराती शबेराती शबे
कुछ वीडियोस मैं इनके बाबा को भी बना के भेजती रहती हूँ। इनके बाबा कह रहे थे कटिंग की ज़रूरत है, इन दोनों के जो है ना बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा देखिए माशाल्लाह से ना मेरा बेटा ये शब-ए-राती है, शब-ए-रात को जो है ना वो पैदा हुआ था माशाल्लाह से, तो इसको जो है ना सब शब-ए-राती करते हैं। तो इसको ना माशाल्लाह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक तो ये कि जैसा मतलब कह लीजिए कि पैदा जिस तरह से हुआ ना, तो अल्लाह की इस तरह से लगता है जैसे कि कोई मुआवजा हुआ हो। तो इसकी हर तरफ से कटिंग वगैरह इस तरह से हुई होती है, बाल गोल्डन। जब ये पैदा भी होता ना तो इसको तब भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब इसके बाल इतने कोई गोल्डन पैदा हुए थे, इतने गोल्डन थे, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको मैं कहीं से गंजा करवाऊँ या कुछ इस तरह से मुझे ज़रूरत है। और जब इसकी नाफ का सिस्टम हुआ तो आप यकीन नहीं कर सकते, नाफ में भी इसकी इतनी मुआवजाती तौर पर इसकी जल्दी नाफ झड़ गई थी, और कोई इतनी लंबी सी वो नहीं थी साहब। और जैसे ये पैदा हुआ है डॉक्टर ने जो बताया है सीन, तो उसमें भी इसका जो है ना बड़ा मतलब काफ़ी मुआवजाती चीज़ें थी। वो मैं शेयर नहीं कर सकती यहाँ पर, लेकिन माशाल्लाह मेरा ये बच्चा ना बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए गिफ्टेड है। तो बस बच्चों की यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ, माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। तो बस यहाँ पर भी इनकी एक्टिविटी चल रही थी। अब कब लाइट आ, ऑन कब लाइट, ऑन कब लाइट आर, मैं पूछ, तूने पूछ, मैं ये कब आर, मान तुम बताओ ना कब लाइट आएगी, कब, मैं क्या, मैं तो बस ये मेरा उसके बाद के दिन का व्लॉग है। और थोड़ा सा मैंने मिक्स करके दोनों को मैंने एक ही जगह करके डाल दिया है। इनसे मैं पूछती हूँ कि इनसे हमेशा पूछते रहते हैं मम्मा कब लाइट आ, मैं उल्टा इनसे सवाल कर देती हूँ, तो एक आध दफ़ा तो मुझे जवाब देने के बाद आगे से कहते हैं मम्मा मैंने पूछा है आपसे, आप मुझे बताएं। तो बस आज मैंने बच्चों की छोटी मोटी एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करी, एक अच्छा सा व्लॉग फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए आप लोग मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।